हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी, बीसीसी, ईसीसी के जो बताया जा रहा था कि 12 सितंबर से एग्जाम होने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात थी कि ये एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो ये डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हेलो गाइज, मैं सूर्यांश पूनिया आपके अपने नॉलेज सिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की NIIT की साइट है, आज उस पर गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया है जो ओ लेवल और ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, इन सभी लेवल के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आज 1 सितंबर 2020 को जारी किया गया है और ये सुबह के 6 या 7 बजे अपडेट किया गया है। और इसमें, इस नोटिस में क्या दिया गया है, इस नोटिस में दिया गया है कि जो जुलाई सेशन 2020 का है, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल एग्जामिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विच वाज रिशेड्यूल्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली इन सितंबर 2020 विल नाउ बी कंडक्टेड इन जनवरी 2021। इसमें बताया गया है कि जो जुलाई सेशन है 2020 का ओ लेवल और इनके स्टूडेंट्स का, इसका जो पेपर होना जा वाला था 6 सितंबर 2020 में, वे अब जनवरी में 2021 में होंगे अलोंग विद जनवरी 2020 सेशन। और इसमें उन बच ये जो एग्ज़ाम होगा ये उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो अभी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, जो अभी 30 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। शायद ये डेट अभी आगे बढ़े और शायद ना भी बढ़े, लेकिन जो अब फॉर्म भरेंगे और जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा है जुलाई 2020 में, तो इन्हीं, इन सब स्टूडेंट्स का एक ही साथ जनवरी 2021 का जो सेशन होगा उसी में सबका एक साथ पेपर करा दिया जाएगा। तो जो डेट शीट होगी फॉर दिस सेम शैल बी मेड अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ NIIT इन ड्यू कोर्स। जो डेट शीट होगी वो सेम इसी वेबसाइट पर आपको दे दी जाएगी। और दी एग्जामिनेशन इन रिविजन फॉर फॉर ओ लेवल और ए लेवल शैल नाउ बी अवेलेबल टू एलिजिबल कैंडिडेट अप टू जुलाई 2021 सेशन। तो जो हमारा न्यू सेशन, जो हमारा न्यू जो सिलेबस आया है रिविजन फॉर ओ लेवल और ए लेवल एग्जाम के लिए, वो था जो हमारे जो जनवरी के स्टूडेंट थे 2020 के लिए उस तक था। लेकिन अब इसके लिए एक जैसे दो मौके थे हमारे पास, तो वो एक मौका घट गया पेपर ना होने के कारण, तो इसीलिए इन्होंने एक मौका वो बढ़ा दिया है। तो ये जो हमारा पूरे जो पूरा पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम जुलाई 2021 सेशन तक अपना पेपर दे सकेंगे। और कैंडिडेट एंड और इंस्टीट्यूट आर एडवाइज टू चेक NIIT वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। और कैंडिडेट भी और इंस्टीट्यूट वाले जो एनालिटिक साइट है वे रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे चेक करते रहें। तो ये तो है हमारा जो ओ लेवल और ए लेवल के जो एग्ज़ाम थे वो एग्ज़ाम अब सितंबर में नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम होंगे सितंबर में, वो हाँ सॉरी जनवरी में, जनवरी 2021 में। और जो इसकी डेट शीट होगी वो इसी साइट पर जनवरी में जब एग्ज़ाम होंगे वो तभी अपलोड की जाएगी। और अब बात की जो CCC, BCC और CCP और ECCP के जो एग्जामिनेशन थे उनका क्या होगा, वे सितंबर में होंगे या नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं कि वे पेपर होंगे या नहीं होगा, उनके लिए क्या नोटिस जारी किया गया है। जो आज 1 सितंबर 2020 को उनके लिए नोटिस जारी किया है ये वो नोटिस है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं इसमें लिखा गया है कि जो ये नोटिस है ये सबके लिए है, CCC, BCC और CCP और ECCP इन सभी एग्जामिनेशन के लिए अलाउड है। तो आइए पढ़ते हैं। जो अप्रैल, मई, जून, अगस्त एंड सितंबर 2020 एग्जाम साइकिल आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 29 सितंबर 2020। तो जो इसका मतलब है जो हमारे फॉर्म जो फरवरी के में भरे गए थे और उनके पेपर हो जाता है अप्रैल, मई, जून के करीब हो जाता है, और वो सब कोरोना ने जो टाइम पीरियड है उसकी वजह से नहीं हो पाए और वो अब तक नहीं हुए हैं। तो जो ये पेपर होंगे ये 29 सितंबर, मतलब कि ये 29 सितंबर के आसपास हो जाएंगे ये पेपर,
सितंबर में ही होंगे, ये पेपर कैंसिल नहीं हुए हैं। तो जो ट्रिपल सी वाले स्टूडेंट हैं वे अपनी तैयारी करते रहें। और सेकंड बात क्या है इसमें, अक्टूबर 2020 एग्जाम साइकिल विल कमेंस फ्रॉम 3 अक्टूबर ऑनवर्ड एज पर नॉर्मल शेड्यूल ऑफ डीएलसी एग्जामिनेशन। और जो अक्टूबर 2020 का एग्जाम साइकिल है वो पहले की तरह नॉर्मल शेड्यूल की तरह अपना एग्जामिनेशन कराएगा। और उसके बाद क्या दिया गया है, एडमिट कार्ड फॉर दिस सेम विल बी मेड अवेलेबल टू डाउनलोड एट स्टूडेंट वेब पोर्टल http://student.nit.government.in टेंटेटिवली फ्रॉम 21 सेप्टेम्बर ऑनवर्ड। इसमें दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो अपना जो स्टूडेंट एनालिटी की गवर्नमेंट की साइट है उस पर अपना सितंबर जो 21 सितंबर है उस तक अपना चेक करते रहे, उससे पहले भी चेक करते रहे। और जो कैंडिडेट हैं वे सभी जो एनआईटी की वेबसाइट है उसे रेगुलरली अपडेट उस पर चेक करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये न्यूज आपको अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।